ये शरबत आपके भाईजान ने लेके आया मेरे लिए, हमारी पुरानी चाली के, मतलब सबसे पहले रूम के चाली के पास से। तो खिचड़ा कहाँ से मिल गया तुमको? जुआ लगाना पड़ता है, मोहर्रम में खिचड़ी की बात अलग होती है। आज दस आशुरा है ना? हाँ। तो लेकिन खिचड़ा दस दसवें दिन बहुत मुश्किल होता है मिलना। हाँ, तुमको कहाँ से मिल गया यार, माशाल्लाह। मस्त गरम गरम देखे, नसीब देखे अल्लाह के करम से। दूध दूध वहाँ पे मेरा शरबत के लिए दूध बॉयल हो रहा है ना, तो ये आधा लीटर ही दूध का मैं बना रही हूँ, ज्यादा नहीं बना रही हूँ। तो ऐसा है खिचड़ा, हाँ पाते के हिसाब से, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सी। तो ये दूध बॉयल हो गया, इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ा सी कस्टर्ड पाउडर ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। खिचड़े के लिए थैंक यू हाँ बाबू, थैंक यू सो मच। तो मैंने उसको टोप में निकाल लिया खिचड़े को। और हाँ, आप लोग बोलते हो ना मुंबई के मुहर्रम, मुंबई में मुहर्रम कैसा चल रहा है, तो बस आज का दिन देख लो, यहाँ पे ऐसे ही मुहर्रम होता है। शरबत बनता है, शरबत बटता है, खिचड़ा बनाते हैं, और हम लोग ऐसे खिचड़ा लेके आते हैं, बाबू मेरे लिए लेके आते हैं। ये बना रही हूँ मैं चाशनी, तो आधी कटोरी शक्कर ली थी मैंने और आधा कप पानी, ताकि शक्कर अच्छे से घुल जाए। That's it. यहाँ पे दूध भी अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है, तो मैं इसका गैस बंद कर दूंगी ताकि दूध ठंडा हो जाए। तो शक्कर जो है अच्छे से गल चुकी है, तो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पिस्ता और बादाम। पिस्ता बादाम भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, उसके साथ हल्का सा फूड कलर ऐड करूंगी, बिल्कुल हल्का, ज्यादा नहीं। ज़्यादा कलर, फूड कलर ऐड करने से ना मीठी चीज़ हो या बिरयानी हो कड़वा हो जाता है, तो ज़्यादा कलर ऐड नहीं करने का, ये जस्ट हल्का सा मैंने ऐड किया है। और अब इसका भी गैस मैं बंद कर दूंगी, इसको भी ठंडा होने देंगे। यहाँ ये ठंडा होगा, यहाँ ये दूध ठंडा होगा। तो ये दूध ठंडा हो गया है, तो मैं इसको छान लूँगी, क्योंकि इसके अंदर मलाई जमी हुई है ना, तो मलाई नहीं आनी चाहिए। दूध को अच्छे से छान लूँगी। देख रहे हो मलाई है, इसके अंदर ये जो हमने बनाया था चाशनी वो भी ऐड कर देंगे। छोटे टोप में उंडल दिया है ताकि बड़ा टोप रखने के लिए फ्रिज में ना जगह नहीं होती है, तो मैंने छोटे टोप में रख दिया है इसको करके। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा वनीला एसेंस, निकल जा भाई, हाँ थोड़ा सा वनीला एसेंस, और साथ ही साथ इसके अंदर ऐड करूंगी ये सब्जियां मैंने भिगा के रखा था वो मैं ऐड कर दूंगी। तो ये रेडी हो गया है हमारा शरबत, तो बस अब इसको डाल दूंगी फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए। अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब? तो अभी मैं आप लोगों से डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर रही हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरी बेटी सो रही है, इतना शरबत पिया उसने सुबह से कि उसको नींद आ रही थी, और आज थोड़ा लेट तक सोने नहीं मिला ना, क्योंकि स्कूल नहीं थी, सुबह में छुट्टी थी, तो सुबह सुबह उठ के वो नानी के घर गई, नानी के घर से आ गई 3 बजे, उसके बाद थोड़ा होमवर्क वगैरह की जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद वो सो गई। तो शरबत पीने के बाद ज़्यादा अगर शरबत पी लो, अपने 2-3 गिलास शरबत पी लो, तो अपने को खुद को नींद आती है, वो तो बच्ची है। तो ऐसा है,
अभी आपके भाईजान गए हैं, मेरी एक फ्रेंड है ऊपर रहती है, उसको शरबत देने के लिए। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया शरबत, सिर्फ थोड़ा सी ही बनाया था जैसे कि आपने देखा, तो ऐसा है। तो चलिए, और खाना तो मुझे नहीं लगता आज मुझे कुछ भी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या ही कहो, अभी आप लोगों ने देखा आपके भाईजान ने खिचड़ा लेके आए थे। अच्छा हाँ, खिचड़े पे कहानी आप लोगों को बता दी, कहानी क्या, खिचड़ा देखो अपन भी बनाते हैं और बहुत सारा बनाते हैं, अम्मी भी बनाते हैं तो मेरे लिए भिजवाते हैं। अभी परसों की बात है, कल की बात है, अम्मी ने परसों मेरे को खिचड़ा भिजवाया डब्बा भर के, मैंने खाई आज। कल मेरे को बिरयानी भिजवाया, मैं वो भी खाई। बिरयानी तो पार्ट एक अलग है, वो अपन बनाते खाते रहते हैं, लेकिन खिचड़ा जो है अपन घर में बना के कितना भी खा लो, लेकिन जब तक वो बाहर से वो जो अपन मुहर्रम में जब बटता है ना, तो वो डेग के पास से मांग के लाके खाने की बात ही कुछ और रहती है। वो मुहर्रम के खिचड़े को लेने के लिए बचपन से मैं बहुत क्रेजी हूँ, बचपन से। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं बचपन में ना मुझे ज़रा भी शर्म नहीं आती थी टोप लेके जाके लाइन लगा के खिचड़ा लेके आने के लिए। शादी के बाद आपके भाईजान को बड़ी शर्म आने की खिचड़ा लाने के लिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको भी हैबिट हो गई। पहले बड़ा शर्माते थे वो खिचड़ा लाने के लिए बाहर से मेरे लिए, स्टार्टिंग के 2 साल काफ़ी शर्माए, छटका लगेगा देखो, लेकिन अब वो भी नहीं शर्माते हैं। बाबू मिली थी घर पर, थी क्या वो, है ना। तो अभी आपके भाईजान को कैसा लगता है खिचड़ा लाने, आपके भाईजान खुद ही मामा के लाने का और खाने का। अभी तो मैंने आज तो बिल्कुल नहीं बोला, आज मोहर्रम में खिचड़ा अलग होता है, इसके लिए ना वो दाना वही मैं बोली, घर में कितना भी बना के खा लो, लेकिन वो जो डेग का होता है ना, जो मोहर्रम में बनता है, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। भले सबके टेस्ट भी अलग रहते हैं, एक जैसे नहीं होते, कभी किसी में नमक कम हो जाता है, कभी किसी में मिर्ची ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कुछ भी हो उसकी बात ही अलग होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें टेस्ट की बात ही नहीं आती है। अपन तो घर में कितना बना के दिल भर के खा लेते, लेकिन वो बात आती ही नहीं है जो मुहर्रम में। इंशाल्लाह 40 दिन हाँ, अभी 40 दिन तो बनते रहेंगे, इवन मैं खुद भी बनाऊंगी खिचड़ा घर के अंदर, ये हफ्ते में या आधे हफ्ते में मैं खुद बनाऊंगी। मैं हर साल बनाती हूँ घर के अंदर, जितना कोशिशों में करती हूँ, तो इंशाल्लाह मैं खुद बनाऊंगी खिचड़ा। और हाँ, मैं ये इसलिए बोल रही थी कि खाना नहीं बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि कल अम्मी के घर से बिरयानी आई थी, अभी आपके भाईजान खिचड़ा लेके आए, तो जो कल मैंने खाना बनाई थी ना, भुना चिकन और चावल, वो वैसे की वैसे ही रखा हुआ, देखे ना आप, फिर भी मैं खाई कल, पेट भर के खाई, 2 टाइम खाई। मैंने भी कहा दबा के, और मैंने सुबह नाश्ते में खिचड़ा खाया था, और भी नाश्ते में खिचड़ा, हाँ अम्मी का, अम्मी ने परसों खिचड़ा भी खाया, फिर को आया काम पे से शाम में, तो वो खाया बिरयानी। मैं हम लोग है ना बिरयानी पे फोकस कर रहे हैं, वो खत्म हो जाए, क्योंकि भुने में इतना तेल है ना, और जिस भी सालन में जिस भी भुने में ज्यादा तेल हो ना, वो जल्दी खराब नहीं होता, वो आप रख के बाद में भून के वापस खा सकते हैं, है ना। तेल जिसमें हाँ, जिसमें ज्यादा तेल होता है ना, वो चीज़ को आप उठा के रख सकते हैं, आज अगर खत्म नहीं हुआ है तो कल खा सकते हैं, लेकिन जो बिरयानी था खिचड़ा था वो खत्म करना जरूरी था, तो हम लोग उसी पे फोकस कर रहे हैं। और अब फिर से आ गया खिचड़ा ताजा ताजा, आपके भाईजान मेरे पीछे लगे कब से, गरम गरम में खा ले, गरम गरम में खा ले, पता ही नहीं बोले कैसे ढेर हो गई है वो एकदम आके, मतलब मत उठाओ रे ठंडी लगेगी, आज वो खुद से सोई है पता, नहीं तो ऐसे चिल्लाना पड़ता है उसके पीछे कि बेटा सो जा थोड़ा नींद ले ले, लेकिन नहीं, खुद ही ढाकी और खुद ही सो गई, गोदड़ी वोदड़ी कुछ नहीं मांगी। तो आज काफी सारे बर्तन है धोने के लिए, बर्तन तो हमारे घर में कभी कम नहीं होने वाले। कि अच्छा बताओ बैठो, अपन कितने बार दिन में चाय पीते, मेरे को छोड़ के, ये तो मैं तो बहुत पीता चाय, मतलब अगर फील्ड पे रहते तो 3-4 चाय हो जाती है, और घर में रहिए तो हर आधे घंटे में किचन में चाय होती रहती है। तो बर्तन कहाँ से नहीं जमेंगे आप बताओ, बर्तन कहाँ से नहीं जमेंगे, बर्तन जमते और पानी का एक गिलास निकल गया तो फिर मतलब वो धड़ाम से उधर सिंक में ही रखना, तो ऐसे होता है, इसलिए इतने बर्तन जम जाते मेरे घर के अंदर। बस और कुछ नहीं, बस बस कर रहा हूं मैं भी, आराम करूंगा मैं सुबह, सर्व सर्वती के मेरा पेट भर गया है। तो मैं सोच रही थी ये ब्लॉग के पहले भी मेरे पास एक दो ब्लॉग है, मैं आज सुबह जब घर से निकला ना, तो मैं डायरेक्ट मेन रोड पे काम पे नहीं गया, नानी के यहां पे, मुझे पता सुबह सुबह टाइम है, ये स्टोरी सुनने लायक है। हां मुझे पता सुबह सुबह टाइम है, करीब 11:30 बज रहे थे, तो रोड में सर्व के दूसरे के बाद बैठता है, तो गली कुछ में जो होता है ना, वो लोग 11:30 चल करते हैं, दूसरी गली में
वहाँ मस्त एक पिंक वाला, वो पिया, उसमें पूरा ग्लास पी उसमें से, फिर स्टेट रास्ता था, मतलब फिर कंदीली और मार लेने सोच के एक बार गली मारा। लेकिन शरबत दो दिन नहीं रहता, शरबत शाम तक खराब हो ही जाता है। शरबत को अगर वैसे अभी ठंडा मौसम है तो शायद गलत रहेगा। तीन चार ग्लास पी लिया था और इसके लिए बॉटल वाला पार्सल करवा लिया था, और जब मैं इसके नानी के यहाँ पर छोड़ा वो बॉटल रखा मैंने फ्रिज में अम्मी के यहाँ पे, मैंने रखा। इसीलिए मैंने ज्यादा शरबत नहीं बनाई, इसलिए मैंने फातिया के लिए थोड़ा सी शरबत बनाई कि फातिया हो जाए और जो अपने एक आध जान पहचान वाले उधर थोड़ा दे दूं, क्योंकि घर में ऑलरेडी इन्होंने मेरे लिए इतना शरबत लेके आए थे। मुझे वैरायटी में शरबत पीना बहुत पसंद है। और आन टाइम में तीन जगह से पी के आया था। अच्छा, तुम एक बात बताना, तुमको एक तरीके का शरबत बहुत सारा मिल जाए उसमें ज्यादा मजा आएगा कि थोड़ा थोड़ा वैरायटी से? मेरे को भी ऐसा थोड़ा थोड़ा वैरायटी में शरबत मिलेगा ना तो मजा आता है। और हाँ, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाईजान जॉब पे जा रहे थे तो उसमें क्या कर रही थी, तो जैसे मैंने बताया सुबह सुबह नींद में से उठते साथ ही उसको था, मैं नानी के घर जाऊँ तो इन्हों साथ में लेके गए उसको, उसकी आज छुट्टी थी बोल के, और फिर वो दोपहर में आई और सो गई, खाना खा के आई थी मैं इसे। और मैंने भी सुबह सुबह नहीं बनाया शरबत, देखा आपने दोपहर के वक्त मैंने बनाया, क्योंकि सुबह से मैं थोड़ा कुछ काम में बिजी थी, थोड़ा लेट मैं खुद भी सो के उठी, तो ऐसा है। वैसे भी मैं उसकी स्कूल के चक्कर में जल्दी उठ गई है ना, सुबह से मीठा-मीठा चालू है ना, शाम हो गई है। लेकिन माशाल्लाह से कितना लेट बनाई शरबत, लेकिन फिर भी क्या ठंडा हुआ। हाँ, मैंने इतना लेट शरबत बनाया फिर भी क्या ठंडा हुआ ना। मैंने क्या करी, मैंने बता बनाते साथ अपनी फ्रिज में घुसा दी, और हमारी जो फ्रिज है ना वो बहुत पास काम करती है माशाल्लाह से, 90 सेकंड में तो आइस तैयार करके छोड़ देती वो, तो उतना सी शरबत तो आराम से ठंडा कर दी। कैसे बना था माशाल्लाह शरबत? मस्त बना माशाल्लाह शरबत, उसमें और थोड़ी अगर आइसक्रीम हो तो डाल दो वनीला आइसक्रीम और मजा आ जाए। मैंने तो पाते के हिसाब से बनाई थी। रुको ना, अभी थोड़ा और 10-20 मिनट सोने दो उसको, ऐसा मत उठाओ, चलेगा रहने दो, कभी कभी चलता है। इतना बच्चा, इतना छोटा बच्चा, उसको इतना प्रेशर मैं खुद देती रहती हूँ, रोज तो देती रहती हूँ, कभी कभी चलता है। ऐसे बच्चों को छोड़ देना चाहिए, और मैं हमेशा नहीं छोड़ती हूँ, ये मेरे मुंह से अपने पहली बार सुना होगा कि कभी कभी बच्चों को पढ़ाई के मामले में छोड़ देना चाहिए। ये भी मेरे दिमाग में किसी ने डाला है कि बच्चे पे अभी प्रेशर मत करो, अभी से प्रेशर करोगे तो वो आगे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, तो अभी थोड़ा लाइट छोड़ो बाद में स्ट्रिक हो जाओ, ऐसा अभी मेरे दिमाग में ये किसी ने डाला है, तो मैं भी एकदम समझदारी वाली बात कर रही हूँ। तो ऐसा है हमारा, आज मैंने मुहर्रम का 10वां दिन, और हम लोग सोच रहे थे माहिम जाने का, लेकिन माहिम में मुझको ऐसा लग रहा है कि गर्दी बहुत ज्यादा हो, जाके आते क्या? माहिम तो तुम बाइक से तो हमको आधे घंटे में लेके जाते। एक जमाना था पता है आप लोगों को, आपके भाईजान मुझे 5 बजे घर से उठाते थे और 7 बजे वापस घर पे छोड़ते थे, और माहिम जाके भी आ जाते थे, हम लोग जियारत भी हो जाती थी और एक जगह खिचड़ा भी खा लेते थे। नहीं घर से, अरे एक बार, अरे एक बार अब्बा ने नहीं तुमको बोले थे, अरे भाई शफी क्या घुमाते, बोले तुम 5 बजे लेके जा रहे, नहीं क्या अम्मी को सलाम करके गए थे एक दिन, अम्मी हम लोग माहिम जा रहे, और आते टाइम पे भी चाय पीने के लिए वहां रुके थे 7:15 बजे, बोले वाह 2 घंटे के अंदर तुम लोग माहिम जाके आ गए, तो ऐसा मैंने एक्सपीरियंस लिया है अभी। तो रास्ता खाली मिला है, तो अब तो कार है अपने पास, क्यों नहीं जा सकते अपन? बर्तन भी इतने ना कि जाने का, जाऊंगी तो फिर बर्तन कौन धोएगा, पानी आने, पानी भी है वैसे। खैर देखो, हम लोग का कोई डिसाइड नहीं है, अभी लास्ट टाइम जब मैं हाजी अली गई थी ना, तो गर्दी में गई थी ना, तो इतना मुझे ना वो हुआ था ना, दिक्कत आई थी कि नहीं आई थी, लेकिन इरादा पक्का था बोल के हम लोग अंदर तक गए थे, है ना बाबू? तो ऐसा ऐसा। और आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम लोग आज के दिन क्या किए, कैसे किए, मेरे पास ऑलरेडी पहले से 2 व्लॉग है, अगर मैं वो आज अपलोड कर दूंगी तो बहुत सारे मेरे चाहने वाले लोग मुझे इतना तंग करेंगे ना कि नाजिया आज मुहर्रम है, आज के दिन ऐसा कंटेंट, नाजिया आज मुहर्रम का 10वां दिन है, आज तुमने ये अपलोड कर दिया, वो अपलोड कर दिया, तो मैं उसको रखती हूँ पेंडिंग में और मैं आप लोगों को ये अपलोड करके दे देती हूँ, ठीक है? तो ऐसा है, क्योंकि मैं अगर लाइन से ब्लॉग डालूंगी तो ये ब्लॉग आपको मिलेगा शायद से परसों भी नहीं तरसों, तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा, तो मैं आज आप लोगों के साथ यही शेयर कर दूंगी। चलो फिर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, बाय बाय, और दुआ में जरूर याद रखना, दुआ की बेशुमार दरख्वास्त। चलो उठो। अरे उठ गया मेरा चांद का टुकड़ा। सो के कैसा लगा? सच्ची बोलना, शरबत की वजह से नींद आई ना इतनी, है ना? शरबत ज्यादा पी ना तुमने आज? कितना ग्लास शरबत पी? नाक पसंद लेता?
कितना ग्लास पी? एक ग्लास। और एक ही ग्लास पी? उठ, मैंने जो बनाया वो भी पी के देख कैसा है। उठ उठ, मैंने ग्रीन कलर का बनाया एकदम यम यम। उठ, थोड़ा सी रखा है मैंने तेरे लिए, बाकी सब खत्म कर दिया हमने। अच्छा उठ तो सही, ट्यूशन तो जाने का है ना? नहीं। क्या नहीं, ट्यूशन जाने का है? वो जब नींद में सोती है ना तो उसका चालू जाता है, टक 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 सुख जाती है उसके। चलना मामा। ए मेरी कोकड़ी, ए मेरी कोकड़ी, ए मेरी कोकड़ी। चल ट्यूशन जाने का, ट्यूशन टीचर ने तो फिर चिल्लाएंगे। ट्यूशन का समय हो चुका है। उजो 5 मिनट में उठेगी? हाँ। पक्का? हाँ। खुद से उठ जाएगी? हाँ। ओके।